नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo X60 वर्सेस EQ9S E5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो X60 में 6.28 इंच जबकि EQ9S E5G में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो X60 में 2.95 इंच जबकि EQ9S E5G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो X60 में 0.29 इंच जबकि EQ9S E5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि X60 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो X60 में 176 ग्राम जबकि EQ9S E5G में 196 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि X60 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो X60 में 19:8:9 जबकि EQ9S E5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो X60 में 6.56 इंचेस जबकि EQ9S E5G में 6.62 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन X60 में 1080x2376 और EQ9S E5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो X60 में 86.8% जबकि EQ9S E5G में 84.86% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 398 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो X60 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और EQ9S E5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो X60 में Adreno 650 जबकि EQ9S E5G में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो X60 में Qualcomm Snapdragon 870 और EQ9S E5G में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो X60 में एंड्रॉइड V11 जबकि EQ9S E5G में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी X60 में 4300 mAh जबकि EQ9S E5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो X60 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 37,980 रुपीज़
12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 39,990 रुपीस में मिल जाता है। वहीं अगर बात करें EQ9SE 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 33,990 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 37,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Vivo X60 में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें EQ9SE 5G की तो उसमें 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में X60 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है, दूसरा रियलमी X7 प्रो है, तीसरा OnePlus 9 प्रो है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें गूगल पिक्सल 6 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।